ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं सुल्तानपुर की खबर पर। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर के शिलान्यास से प्रसन्नता की लहर। आज श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का शिलान्यास SSB प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस पुनीत अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास देखने को मिला। पूरा देश आज जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। इस कड़ी में सुल्तानपुर के जुकरासगढ़ गांव में राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर उचित सावधानी रखते हुए प्रसाद वितरण किया गया। कार्ड सेवकों का गढ़ माना जाता है जुकरासगढ़। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण में बहुत से कार्य सेवकों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। कुछ कार्य सेवकों को यह शुभ घड़ी देखने को नसीब नहीं हुआ तो कुछ कार्य सेवक जिन्हें यह शुभ अवसर मिला तो वो आज यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। ऐसे में श्री राम प्रभु के मंदिर निर्माण आंदोलन में क्षेत्र में की अगुवाई करने वाले जुकरासगढ़ के डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी ने आंदोलन का संस्मरण साझा करते हुए अपने सहभागियों को याद किया। मिश्र जी के अनुसार यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसे देखकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मिश्र जी का परिवार इस आंदोलन का हिस्सा रहे, साथ ही राम मंदिर के आंदोलन का हिस्सा रहे। क्षेत्र के कुछ महापुरुष स्मृति से स्वाबम बहादुर मिश्र जी, स्व शिव बहादुर मिश्र जी, स्व जगजीवन मिश्र जी आदि को याद किया। आंदोलन में योगदान की चर्चा करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ कार्य सेवक श्री सूर्य नारायण मिश्र, श्री राम कमल मिश्र, श्री राधेश्याम मिश्र, श्री जग प्रसाद तिवारी, श्री शिवानंद मिश्र, श्री सत्य नारायण चौहान व विमल चौहान आदि ने शिला पूजन पर हर्ष जताया। कार्यक्रम में श्री बब्बू मिश्र बाबा जी, विजय शंकर मिश्र, प्रेम शंकर मिश्र, प्रोफेसर उमा रमण पाठक, आलमचंद बब्बू मिश्र, रवीश मिश्र, राजेश चौहान आदि ने सहयोग की दिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री भरत तिवारी द्वारा किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मंडल ब्यूरो अयोध्या के साथ सुल्तानपुर से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पास शब्द नहीं कि हम उसको अपना व्यक्त कर सके, पूरा भाव विह्वल हो और ऐसा लग रहा है कि एक नया भारत, नए भारत का जन्म हो रहा है। और एक बार राम की महिमा तो परंपार है, अयोध्या धाम की ये महिमा भी परंपार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज भारत माता एक नए और उच्च सिंहासन पर विराजमान हो रही है। 500 सालों तक घोर संघर्ष, अगणित बलिदानों के बाद हमारा देश जैसे लग रहा दूसरी आजादी प्राप्त कर रहा है और हम लोग अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का कोई नया जन्म फिर से हुआ। क्योंकि हम लोग राम की ही कृपा थी कि हम लोग मौत के मुंह से कई बार निकले हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद ये सुख दिन, ये आनंद उत्सव मनाने के लिए हम लोगों को भगवान ने आज सुरक्षित और जीवन दिया है। अब मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में आप लोग गांव के जितने भी गणमान्य सदस्य हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं इस समय? खुशी की कोई सीमा नहीं है, उसको हम कैसे शब्दों में पिरोएं, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे आनंद की सीमा कितनी है उसको हम बता नहीं सकते। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का, इतने जीवन का जो छोटा सा है, इससे बड़ा आनंद और हमें कभी अनुभूत नहीं हुआ। आपके साथ राम मंदिर आंदोलन में इस समय आपके साथ कौन कौन हैं और कौन कौन लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, इन स्मृतियों को भी हमारे साथ साझा कीजिए। अब यहाँ पर हमारे आदरणीय बाबा जी हैं, श्री राम कमल मिश्र जी, भाई शिवानंद जी हैं, हमारे बाबा जो है श्री राधेश्याम मिश्रा जी हैं, हमारे पिताजी हैं जो हम मोस्ट वारंटेड थे, हमारी जगह पर एक महीने की सजा काट के आए, अपने वेतन और सब चीज उनका हड़प लिया गया था। और इधर हमारे आदरणीय श्री जग प्रसाद तिवारी जी हैं जो कंधे से कंधा मिला करके अयोध्या धाम तक गए हैं। चारों तरफ से गोली की बरसात हो रही थी, लाठियां बरस रही थी, पत्थर चल रहे थे, बसें फूंकी जा रही थी और खोज खोज करके गली कूचे में कार से मारे जा रहे थे, उस दौरान के साक्षी हैं। तमाम लोग हो सकता है यहाँ पर ना आ पाए हो सूचना के अभाव में, क्योंकि तत्काल कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसे स्वर्गीय जगजीवन मिश्र जी जो अब इस दुनिया में नहीं है,
हैं, और हमारे स्वर्गीय शिव बहादुर मिश्र जी, ये सभी लोग इस दुनिया में नहीं हैं, और हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री बम बहादुर मिश्र